टाटा ग्रुप वीवो इंडिया में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद सकती है। वो टाटा तो बेच रही है, दैट मीन्स चाइना में कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब है, क्योंकि ये चाइना की जो बोलते हैं ना दुखती जो नसें हैं उसपे भारत काफी टाइम से उंगली रख रहा है कि इनकी कंपनीज की हालत क्या खराब है, क्योंकि हुआवे बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में उसके अगेंस्ट मुहिम चल रही है कि इनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना। भारत के अंदर एक एंटी चाइना सेंटीमेंट जरूर है, और जिस दिन अपना टाटा का प्रोडक्ट आ गया उस दिन किसी और का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि हमें टाटा के ऊपर जितना विश्वास है उतना किसी और कंपनी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और अगर आप इसकी बड़ी तस्वीर देखें तो भारत सरकार की तरफ से ये लगातार पुश किया जा रहा है कि फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन प्लेयर, विदेशी प्लेयर अगर वो भारत में बिजनेस कर रहे हैं तो वो लोकल प्लेयर्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर करें। माहिरीन के मुताबिक मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये जुमला सुनते सुनते एक नस्ल मेरे ख्याल से रुखसत हुई। समझ ये नहीं आती कि बहुत से ममालिक हमारे बाद आज़ाद होकर तरक्की की मंजिलें तय कर गए, लेकिन हमारा ये नाजुक मोड इतना लंबा पता नहीं क्यों हो गया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इंडियन मार्केट ही इनको बचा के रखा है, वरना ये सारी कंपनियों का दिवाला निकल गया होता अभी तक। पूरे वर्ल्ड में इनका सामान नहीं बिक रहा। यार ये वही लोग हैं जो इतने टाइम तक बोलते थे आपको चाइना के लिए करते क्यों नहीं हो, अब जब करते हैं तो बोलते नहीं 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 मत करो मत करो मत करो, चाइना कुछ कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर नकेल तेज कसी जाएगी मोदी जी की तरफ से, इसलिए ये दुम दबाकर यहां से भाग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सुई से हवाई जहाज तक बनाने वाली देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा अब मोबाइल बनाने के बिजनेस में भी उतरने जा रही है। हालांकि करीब एक दशक पहले टाटा ग्रुप मोबाइल नेटवर्क और हेडसेट दोनों बनाती थी, अब स्मार्टफोन बिजनेस की तरफ बढ़ने जा रही है। भारत सरकार ने जब से चीनी की तमाम कंपनियों पर सख्त कदम उठाना शुरू किया है, इस कड़ी में चीन के लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने बड़ी हिस्सेदारी भारतीय कंपनियों को बेचने की मंशा बना ली है। टाटा ग्रुप चाइनीज की बड़ी कंपनी वीवो को खरीदने की तैयारी करने जा रहा है। सौदा होने के बाद चाइनीज की इस कंपनी का 51% हिस्सेदारी टाटा की होगी, जिसका मतलब यह है कि इसका पूरा कंट्रोल देसी कंपनी टाटा ग्रुप का होगा। बीते कुछ दिनों में चीनी कंपनियों की हालत दुनिया भर में खराब होते जा रही है। दुनिया भर में चीनी की बड़ी बड़ी कंपनियों को बॉयकॉट करने से उनकी कमर टूट गई है। इन्हीं सबको देखते हुए चीनी कंपनी बड़े कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार ने मामले में अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि चीनी मोबाइल कंपनी का 51% हिस्सा किसी भारतीय कंपनी के हाथ में ही होना चाहिए और मोबाइल हेडसेट का निर्माण और वितरण जॉइंट वेंचर के तौर पर ही होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार वीवो कंपनी की जांच भी कर रही है, जिसमें कंपनी के ऊपर टैक्स छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हाल में हमने खबर देखी कि वीवो चाइना की फिफ्थ लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो अपना इंडिया का जो एक प्लांट है, फैक्ट्री है, वो टाटा तो बेच रही है। दैट मीन्स चाइना में कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब है, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट को हाथ से निकलने दे रही है वीवो। देखिए, पहली बात यह है कि जो वीवो है, चौमी है, हुआवे है, ये तीनों कंपनियां पकड़ी गई थी लास्ट ईयर भारत में धांधली करते हुए। मैं धांधली ऊपर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ये कैसे वहां से पैसे लेकर मोदी जी के खिलाफ एजेंडास को क्रिएट करने के लिए ये पैसे यूज कर रहे थे, भारत में कमाकर पैसे यहीं पर मोदी जी के खिलाफ ये पैसे यूज कर रहे थे थ्रू अवर सोशल मीडिया एंड थ्रू मेनस्ट्रीम मीडिया उनको रिश्वतें खिलाकर। तो ये पकड़े गए और इनके मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज जब्त भी हैं आज तक, और इन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किए हैं चाइनीज कंपनीज ने। इन्हें समझ आ गया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर नकेल तेज कसी जाएगी मोदी जी की तरफ से, इसलिए ये दुम दबाकर यहां से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना की हालत खराब है तो इसलिए इन्होंने इंडिया की मार्केट को छोड़ दिया, इंडियन मार्केट ही इनको बचा के रखा है, वरना ये सारी कंपनियों का दिवाला निकल गया होता अभी तक। पूरे वर्ल्ड में इनका सामान नहीं बिक रहा, चाइना में परचेजिंग पावर नहीं रही, या यहाँ पर कोई लोग पैसे खर्च ही नहीं रहे कि जितने हैं बचा लो, पता नहीं कल को क्या होगा। भारत इनको बचा सकता था, लेकिन यहाँ पर इनकी दाल नहीं गल रही। और जितना एग्रेसिवली मोदी जी लगे हुए हैं कि जो भारत की कंपनीज हैं वो किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसे और ये बाहर की जो कंपनीज हैं इनका दबदबा खत्म हो। अगर आज देखें भारत की मार्केट के ऊपर, जो पूरा पकड़ है वो चाइनीज कंपनीज की है। टाटा ने अनाउंस कर दिया कि आईफोन टाइप फोन खुद निकालेगी, और चाइना को मालूम है जिस दिन टाटा आ गया उस दिन इनको टाटा करना पड़ेगा भारत को, वो पहले ही टाटा बुक करके वो पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वीवो को जो भारत की 1.5 बिलियन लोगों की मार्केट है वो सूट करती है, या पाकिस्तान के 25 करोड़ घरों की वो सूट करती है जिनके पास तो आटा खरीदने के भी पैसे नहीं है? और आज की तो खबर ये है कि आटा ऑलरेडी 200-300 रुपए किलो था, दूध भी 200 रुपए किलो हो गया है, वहां पर लीटर हो गया है। पाकिस्तान की ये हालत है, वहां पर वो वीवो का फोन खरीद सकते हैं? हैसियत ही नहीं है। सो जो ये सारी चीजें हो रही हैं कि ये मिडल ईस्ट वाले
सऊदी वाले, चाइना वाले सारे मिलकर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन एक ही है, सबके पैसे लगे हुए हैं, सबको ये है कि यार मेरे पैसे वापस कब आए और मैं कब इस चुनौती से अपना पीछा छड़ाऊं। अभी हाल में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की भी एक बैठक हुई थी कि चाइनीज गुड्स जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं हम उनको उनको रोकें, ये उनको आने ना दें। ऐसे में वीवो का इंडिया से एग्जिट की तैयारी, अभी तैयारी बोलेंगे, बेचा नहीं गया है, टाटा उसको खरीदने के मूड में है। अगर वीवो एग्जिट कर रहा है, साथ में और दूसरी भी एग्जिट कर सकती है क्या, और क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये चाइना के लिए? रोहित भाई, पहली बात ये है कि चाइनीज कंपनीज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती भारत की मार्केट को छोड़ना। हम जितना मर्जी इनको चुपेड़े मारते रहें, इनका सर्वाइवल का मोड है आज की डेट में। आप बिलीव कीजिए, लास्ट मंथ एक कंपनी है यहाँ पर जो गाड़ियां बनाती है, इतनी बड़ी कंपनी का नाम है, पूरे महीने में एक गाड़ी बिकी है सिर्फ, एक गाड़ी पूरे कंट्री में। आप सोच सकते हैं कि कंट्री कंट्री का या कंपनीज का क्या हाल हो रहा होगा यहाँ पर। तो आपको लगता है उसके बाद भारत में ये हालत है कि एक एक साल की वेटिंग है कार कार कंपनीज की। मोबाइल्स के अंदर भी लाइनें लगी होती हैं, आप किसी भी मोबाइल कंपनी में चले जाइए, वहां पर आपको शायद 15-20 मिनट तो वेट करना पड़ता है कि उस आदमी के पास टाइम नहीं होता आपसे बात करने का भी। भारत में ये हाल है। और यहाँ पर जो मोबाइल कंपनीज है चाइना के अंदर, आप उनकी शॉप पे चले जाइए, वहां पर 15-20 लोग काम कर रहे होते हैं, सारे आपके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं कि सर आप बताइए कौन सा मोबाइल चाहिए, कौन सी स्कीम चाहिए, इसके साथ ये फ्री है। ये हालत है यहाँ पर कि इनकी कंपनीज की हालत क्या खराब है, क्योंकि हुआवे बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में उसके अगेंस्ट मुहिम चल रही है कि इनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना। भारत के अंदर भी ऐसा ही हाल चल रहा है। यहाँ पर जितने भी आप चाइनीज कंपनीज लेंगे भारत के अंदर, एक एंटी चाइना सेंटीमेंट जरूर है। और जिस दिन अपना टाटा का प्रोडक्ट आ गया, उस दिन किसी और का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि हमें टाटा के ऊपर जितना विश्वास है उतना किसी और कंपनी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। एक काफी मैंने एक नैरेटिव देखा है कि भाई चाइना अटैक कर देगा, चाइना ये कर देगा, इट इज टू प्रीमैच्योर फॉर भारत टू डू दीज थिंग्स, वी आर नॉट रेडी, वी आर दिस, वी आर दैट, ये सब चीजें भी मैंने देखी है। यहाँ पर तो मैं एक ही पहले चीज बोलना चाहूंगा, यार ये वही लोग हैं जो इतने टाइम तक बोलते थे आप कुछ चाइना के लिए करते क्यों नहीं हो, अब जब करते हैं तो बोलते नहीं 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 मत करो मत करो मत करो, चाइना कुछ कर देगा। यार कहीं ना कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा, एंड दिस इज समथिंग दैट आई सेड इन माय प्रीवियस अपडेट आल्सो कि साहब ये जो अंगूठा चूस के बैठने वाली बातें हैं ये अब नहीं चलेंगी, क्योंकि ये चाइना की जो बोलते हैं ना दुखती दुखती जो नसें हैं उसपे भारत काफी टाइम से उंगली रख रहा है। ये स्टोरी शुरू होती है ताइवान से, ताइवान के साथ आपके ओवरशर्स धीरे 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 करके ज्यादा ज्यादा ओपन में आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देखा जैसे कि ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में काफी बातें चल रही हैं, और काफी फॉक्सकॉन ये वो काफी काफी सारी कंपनीज TSMC और ये लोग काफी लोग भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स और काफी लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के अंदर जो फैक्ट्री सेटअप ये वो काफी चीजें हो रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोदी साहब के साथ इंटरेक्शंस भी हुए हैं इनके, जो ये बिजनेस लीडर्स हैं ताइवान के, दे एक्चुअली शेयर्ड अ स्टेज एज वेल जहां पर ये जब सेमीकंडक्टर का लॉन्च हुआ था। यहां पर देखिए फॉक्सकॉन एक बड़ी कंपनी है जिसके चेयरमैन जिनका नाम है यंग लियू को भारत ने पद्म भूषण तक दिया, विच इज भारत थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये चीजें अभी नहीं है, ये बेसिकली जनवरी से काफी टाइम से ये चीजें शुरू हो चुकी हैं, जब से आपने मूव करा है सेमीकंडक्टर के ऊपर और जब से आपका ये पूरा गेम आगे चला है। ये हुआ, अभी ये होते साथ मोदी साहब ने फटाफट 15 मिनट में उस ट्वीट को रिस्पॉन्ड भी कर दिया। आप जसविंदर सिंह ट्रूडो के ट्वीट को तो कम से कम 10-12 दिन लगे थे रिस्पॉन्ड करने को, लेकिन ये ट्वीट को मोदी साहब ने फटाफट एकदम रिस्पॉन्स देके आगे कर दिया। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं यहां पर आपको समझनी है। देखिए तो जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री मतलब हवा में, ओए होए होए, यो यू हैव टू रिमेंबर वन चाइना पॉलिसी, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ये वो कर कुरा के उसने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए।